ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर युवाओं ने सीएम हाउस की ओर कूच किया। युवाओं का कहना है कि प्रदेश में लंबे वक्त से पुलिस भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है और वे बीते कई सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द रुकी हुई भर्ती निकाले। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज साल से उत्तराखंड पुलिस विज्ञप्ति नहीं आई है। हमारी मांग है कि आज शाम तक उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की जो विज्ञप्ति है और दरोगा की जो विज्ञप्ति है एक साथ जारी करे शाम तक। नहीं तो जो है आज युवा जो है बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहा है और वहीं पर धरने पर बैठा रहेगा जब तक हमारी मांगे जारी नहीं होती। हमने लगातार कई सालों तक हमने कभी शासन को, प्रशासन को, डीएम को, एसडीएम को, मुख्यमंत्री, मंत्री को हमने ज्ञापन तक दे दिए, लेकिन हमारी बात को हमेशा अनदेखा किया गया। आज बेरोजगार यहाँ पर एकजुट होकर आया है और शाम तक हम चाहते हैं कि हमारी विज्ञप्ति जारी अभी 2022